चलिए बेटा आइए देखते हैं यूज़ ऑफ द नर्स इक्वेशन इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। यूज़ ऑफ द नर्स इक्वेशन इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो यूज़ ऑफ क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं इसका। इक्वेशन है 2H प्लस चेंज इनटू द H2, ठीक है, इसके लिए वैल्यू दी गई 0.00 वोल्ट। इसकी कंसेंट्रेशन है 1 मोलर और इसका प्रेशर है, गैस है तो प्रेशर है 10 bar, ठीक है ना, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इक्वेशन क्या बन रही है, 2H प्लस चेंज इनटू H2, यहाँ से सोल्यूशन है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस अपन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, चूंकि 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये 10 था तो 10 बार रखा, ये कंसंट्रेशन 1 मोलर थी तो 1 की पावर कर दिया, ओके, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर Q की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी, ओके। प्रोडक्ट अपान क्या होता था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही होता था ना, Q 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने ये लिया सपोज दैट, तो E इज इक्वल टू 0 माइनस E नॉट की वैल्यू क्या, 0, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0, ये फार्मूला था ना नर्स इक्वेशन का, ये भी लिखा हुआ है व्यू पर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन N लॉग 10, क्योंकि ये 10 वैल्यू आई तो लॉग Q की जगह हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब देखिए बेटा लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, लॉग 1000 की वैल्यू 3 होती है, लॉग 10 की पावर N की वैल्यू क्या निकल के आती है, N आती है। ये फार्मूले हैं जिन्हें आपको लर्न रखना है। E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 इंटू लॉग 10 की जगह 1 कर दिया, 2 क्यों रखा, क्योंकि देखिए जरा ये 2H प्लस जब H2 में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन ही होता था ना N, N की वैल्यू हमने रखी, उसको सॉल्व किया, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से इसको, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0295 वोल्ट, ओके। बेटा प्रॉब्लम सेकंड देखिए आप यहाँ पर, इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे दी जाएगी कि क्वेश्चन दी गई ZN, ZN प्लस प्लस 0.01 m, ये साल्ट ब्रिज, Cu प्लस प्लस 0.1 m मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है Cu में जो सॉलिड है, ठीक है। तो बेटा देखिए इन इक्वेशंस में ये जो बीच में लगा होता है इसका मतलब ये होता है, इस ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, इनकी कंसंट्रेशन होगी, ऐसे दिया जाएगा। और गिवन क्या है, ई नॉट सी यू प्लस जब सी यू में चेंज हो रहा है उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ZN प्लस प्लस जब ZN में चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आपसे कहेगा कि इस क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग जो गिवन वैल्यू है जो भी दिया गया है उसके थ्रू आप क्या कैलकुलेट करिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए इस सेल का, ऐसा एक सेल है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर दीजिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने स्टैंडर्ड ले लिया जब कुछ नहीं दिया गया होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहां पर, चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड नॉट स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कहां है बेटा, 1 मोलर होता तब होती ना स्टैंडर्ड, तो सो कैलकुलेट
स्टैंडर्ड ई एम एफ, जब ये नहीं दिया गया होगा सो ई एम एफ टू बी नॉट स्टैंडर्ड, चूंकि ई एम एफ स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको हम स्टैंडर्ड निकालेंगे। इसके लिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट भी कर सकते हैं, या फिर ए नॉट माइनस कैथोड भी कर सकते हैं। देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, तो ई राइट की वैल्यू क्या दी गई थी 0.34, राइट साइड में क्या वैल्यू थी, सी यू वाला जो चेंज हो रहा था 0.34, और इसकी वैल्यू रखी फॉर्मूले में, कैलकुलेट किया तो आपको ई नॉट सेल क्या मिल गया, ई एम एफ क्या मिल गया बेटा 1.10 वोल्ट। चूंकि सेल नॉट स्टैंडर्ड सो द एक्चुअल इलेक्ट्रोड आप कैसे निकालेंगे, देखिए जरा ई सेल नर्स इक्वेशन लगाई, नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा, इसकी वैल्यू जो यहां से हमने कैलकुलेट की वो रखी 2, ठीक है ना, 2 क्यों है भी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जेड एन यहाँ पर किसी भी इक्वेशन को जब आप लिखोगे तो जेड एन चेंज इंटू जेड एन प्लस प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही सी यू प्लस प्लस इसमें गया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो जितने इलेक्ट्रॉनों का इंटरचेंज हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एन कहते हैं, तो एन यहाँ पर 2 हो जाएगा, लॉग क्यू हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आप क्या रख देंगे यहाँ पर, देखिए जरा 0.0592 लॉग 10 की पावर माइनस 1, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे जेड एन की कंसेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट जेड एन प्लस प्लस है ना, अपान रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट क्या था, इसकी मोलर कंसेंट्रेशन क्या थी जेड एन वाली, जरा देखिए जेड एन की वैल्यू क्या थी 0.01 और सी यू प्लस प्लस की वैल्यू 0.01 m, सॉल्व करिए 10.1 आ जाएगा, लॉग 10 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर, तो माइनस 1 ये देखिए माइनस 1 रख दिया हमने इसीलिए यहाँ पर, तो 1.1 इसको सॉल्व करिए आप ये आ जाएंगे, इसको इससे ऐड करिए आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको एग्जाम में, ठीक है बेटा।